मंत्री तुलसीराम सिलावट आपको बता दें, पूर्व सरकार में भी मंत्री थे, इस वक्त भी कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि लगातार मजदूरों की वापसी हो रही है और हम लोग किसी भी मजदूर को परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है, आज एकजुटता की जरूरत है, पर ऐसे मौके पर कांग्रेस की चाल चरित्र भी सामने आए हैं। उन्होंने कांग्रेस को सद्बुद्धि देते हुए कहा है कि इस संकट की घड़ी में उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और एकजुट होकर इस महामारी का सामना करना चाहिए। के लॉकडाउन में सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो प्रवासी मजदूरों के लिए, पैदल अपने अपने घरों तक जा रहे हैं और उसी के चलते बीच में जो प्रदेश मतलब सरकार है वो मजदूरों को लाने का काम कर रही है, उसका जिम्मा प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी वो उठाए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं बड़ी एक जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है? बड़ी चुनौती हमारी सरकार के सामने थी, मध्य प्रदेश के देश के अन्य प्रांतों में जो प्रवासी मजदूर थे उनको लेके आना और हमारे प्रदेश में लाकर उनको अपने जिले में और उनको घर भेजने की जवाबदारी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से एक बड़ा काम, 1,90,000 प्रवासी मजदूर आज तक अन्य प्रांतों से लेकर हमारे मध्य प्रदेश में हम लेके आए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात से लगभग 95,000 मजदूर, राजस्थान से 42,000, महाराष्ट्र से 40,000 और आज की तारीख में गुजरात से लगभग 5,000 मजदूर हम ला रहे हैं। इस प्रकार से पूरे देश के अन्य प्रांतों से 1,90,000 मजदूर अब तक हम हमारे प्रांत में लाकर उनके जिले में उनके घर भेज, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो अन्य जिलों में मजदूर थे लगभग 48,000 उनको भी हमने अपने घर भेज दिया है। पर अभी तक हम 30 ट्रेन आज तक मजदूरों को लेकर आ चुकी है। मैं आपको ये बता रहा था कि एक दुखद घटना हुई जब हमने ट्रेन की लाने की बात की थी, हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर जब उनको पता पड़ा कि मध्य प्रदेश की ट्रेन सरकार इनको लेकर जा रही है तो वो पैदल चल के आ गए। एक दुखद घटना, क्योंकि इतने थक गए थे वो रेल की पटरी पे औरंगाबाद सो गए। 16 मजदूरों का दुखद निधन हुआ। ये जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई उन्होंने तुरंत देश के रेल मंत्री से बात की, देश के प्रधानमंत्री से बात की और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को और आला अफसर को औरंगाबाद भेजा और उन सारी व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत रुचि लेकर सम्माननीय मुख्यमंत्री ने किया। उस परिवार को राहत के रूप में 5-5 लाख और जो गंभीर घायल थे उनको 3-3 लाख। पर ये इतनी दुखद घटना थी, हम सबको दिल को हिला देने वाली थी। इसी प्रकार को मुख्यमंत्री जी ने सब सोचा तो उन्होंने एक अनुरोध किया, जिस लॉकडाउन है ये बड़ा संकट है कोरोना वायरस का, कई आज भी कई प्रवासी मजदूर देश के अन्य प्रांतों में फंसे हैं और वो पैदल आने की कोशिश कर रहे हैं। घटना दुर्घटना औरंगाबाद की नहीं हो तो मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे अनुरोध किया है, इतने समय तक आपने संयम के साथ धैर्य के साथ जहाँ रुके हुए रुके रहे, मध्य प्रदेश सरकार वचनबद्ध है कटिबद्ध है कि आपको आप देश के किसी भी प्रांत में हो, चाहे केरल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, तमिलनाडु में हो या कर्नाटक में हो या हमारे क्या बोलते हैं अपना बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, सबको लेके आने की जवाबदारी मध्य प्रदेश की सरकार की है, चाहे वो रेल से लाएं या बस से लाएं और उनको कोई भी किराया नहीं लगेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर अभी राजनीति इस पे होने लगी है, अभी कमलनाथ का बयान आया था कि इसके किराया हम देंगे, ज्योति पटवारी ने कहा है कि प्रदेश सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और मजदूरों को पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे आरोप बराबर कांग्रेस लगा रही है। देखो जब संकट का समय हो, ये संकट कोरोना वायरस का हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है, हमारे देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का संकट है,
इस समय भी टीका टिप्पणी करना, प्रवासी मजदूर के ऊपर राजनीति करना, मैं उनके आपके जो आरोप है निराधार बेबुनियाद असत्य है। 1,90,000 मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ। ये कहा कि पैसा हम देने को तैयार हैं लाने के लिए। मैंने बोला ना, सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। जो हमारे देश की बुनियाद है मजदूर, मध्य प्रदेश के जो जिनके कारण हमारा भविष्य स्थापित होता है, उनको लाने की सरकार की जिम्मेदारी है। नैतिक कर्तव्य हमारा दायित्व है कि हम उनको एक एक को हर प्रांत से लाकर, हमारे मध्य प्रदेश में लाकर उनके जिले में उनके घर भेजने की जवाबदारी हमारी है। मैं उनसे ये चाहता हूँ कम से कम इस संकट के दौर में, कोरोना वायरस के समय, टीका टिप्पणी करना बंद करें और सहयोग करें कि कहाँ कौन से जिले में कौन सा जिले का व्यक्ति कौन से प्रांत में देश के फंसा हुआ, हमें सूची दें, हम उनको लेके आने की जवाबदारी है। हमारे साथ से तुलसी सिलावट, उनका साफ तौर पर कहना यह है, और विरोधियों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि इस समय संकट की घड़ी है, टीका टिप्पणी का समय नहीं है, मिलजुल कर इस संकट की घड़ी से निपटना चाहिए। प्रदेश सरकार बराबर ये प्रयास कर रही है कि उन्हें बिना किसी तकलीफ के लाया जाए। साफ तौर पर माना जा सकता है कि जब तक मजदूर यहां नहीं आ जाते और अपने अपने घर तक नहीं पहुंच जाते, तो संकट ये खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने अपील करते हुए ये भी कहा है कि कोरोना आया कहीं से भी हो, हारकर हिंदुस्तान से जाएगा। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ अरविंद चौहान।